किसानों का आज भारत बंद, पंजाब में दिखा बंद का असर। पंजाब में नहीं चल रही सरकारी और प्राइवेट बसें, जनजीवन प्रभावित। हरियाणा पंजाब में इंटरनेट सेवाएं बाधित, शहरी इलाकों में पेट्रोल पंप बंद। पंजाब राजस्थान बॉर्डर भी किया बंद, सुरक्षा बढ़ाई। गुरुवार को केंद्र और किसानों के बीच तीसरे दौर की मैराथन बैठक का नहीं निकला ठोस नतीजा। कृषि मंत्री ने कहा किसानों की मांगों को पूरा करने में लगेगा समय। किसान और पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले कुछ मुद्दों पर बनी सहमति, कुछ पर फिर होगी चर्चा। बैठक के बाद किसानों का ऐलान, रविवार तक नहीं करेंगे दिल्ली कूच की कोशिश, मौजूदा मोर्चों पर ही शांतिपूर्ण आंदोलन रहेगा जारी। भारत बंद के बीच हरियाणा में चढ़ूनी गुट ने टोल फ्री करवाने का किया ऐलान। एक तरफ चल रही थी बैठक और दूसरी तरफ हो रहा था टकराव। बुधवार दोपहर पुलिस और किसानों के बीच हुए टकराव में हरियाणा नाके के पास फंस गया था एक ट्रैक्टर। देर रात ट्रैक्टर लेने पहुंचे किसानों के साथ हुआ पुलिस का टकराव। निहंगों ने घग्गर पुल के पास नाके पर पुलिस को ललकारा। पुलिस ने चलाई रबड़ की गोलियां, आंसू गैस के गोले दागे, किसानों ने भी किया पथराव। मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में एसपी ऑफिस पर देर रात हुआ हमला। 300 से 400 लोगों की भीड़ ने एसपी ऑफिस पर पथराव कर की आगजनी। आरएएफ और एसएफ ने भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। हेड कांस्टेबल को निलंबित करने के विरोध में हुआ हमला। घटना में दो लोगों की मौत, 30 के करीब लोग झड़प में घायल। दिल्ली के अलीपुर में पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 11 लोगों की मौत, 4 घायल। फैक्ट्री में रखे केमिकल में हुआ ब्लास्ट, फैक्ट्री की आग से आसपास के घरों को भी पहुंचा नुकसान। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियों ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के अंबिकापुर शहर के रसूलपुर गली में देर शाम दो गुटों में हुई जमकर मारपीट। दोनों गुटों की मारपीट में चली गोली। घटना से इलाके में दहशत का माहौल। मामला शहर के कोतवाली थाना अंबिकापुर इलाके का। सूचना मिलते ही मौका ए वारदात पर पुलिस टीम के साथ पहुंचे एडिशनल एसपी। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब में सियासत हुई गर्म। कांग्रेस ने हरियाणा के गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उठाई मांग। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग की अगुवाई में डेलीगेशन चीफ सेक्रेटरी से मिला। हरियाणा पुलिस पर लगाया कानून व्यवस्था अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप। किसान पर आंसू गैस के गोलों और रबड़ की गोलियों के इस्तेमाल को बताया गैर कानूनी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग चीफ सेक्रेटरी से की। कांग्रेस ने आंदोलनकारी किसानों के लिए शुरू की कानून की सहायता हेल्पलाइन। लुधियाना के सेंटर हल्के में आप सरकार आपके द्वार कैंप लगाया, एमएलए ने सुनी लोगों की समस्याएं। जौनपुर में हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार। 5 फरवरी को एक युवती की हत्या कर फेंक दिया शव। थाना खुठन पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। पीलीभीत के पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हुई महापंचायत। पहले हुए प्रदर्शन के बाद रेलवे के दर्ज करवाए मुकदमे रद्द करवाने की मांग। रेलवे अंडरपास की समस्या को लेकर किसान कर रहे हैं विरोध। रेल प्रशासन के खिलाफ किसानों ने की जमकर नारेबाजी। किसान आंदोलन में शंभू बॉर्डर पर पथराव करने वालों की पहचान करने में जुटी हरियाणा पुलिस। पथराव में हरियाणा पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के 25 जवान और अधिकारी हुए थे घायल। पुलिस ने जारी किए पत्थरबाजों के वीडियो, सूचना देने वालों को इनाम की घोषणा। फरवरी 2018 डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की शुरुआत। फिर हुई निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की शुरुआत। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियों से यूपी बना ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पसंद। अब उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को कर रहा मजबूत। देश में पहली बार 10 लाख करोड़ से अधिक की 14,000 से अधिक निवेश परियोजनाओं की एक मंच से होने जा रही है शुरुआत। खुलेंगे 34 लाख से अधिक रोजगार के द्वार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामय उपस्थिति में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ 19 फरवरी को लखनऊ में ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। मैनपुरी में 100 रुपए के खाते रिश्ते हुए तार तार। बहस 100 रुपए की उधारी को लेकर भाई भतीजियों पर जानलेवा हमला। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मैनपुरी के गांव सिकंदरपुर की है घटना। आरोपियों को तलाश रही पुलिस।
देहरादून में राज्यसभा नामांकन के लिए विधानसभा पहुंचे महेंद्र भट्ट। सीएम धामी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, कैबिनेट मंत्री और विधायक भी नामांकन के लिए आए भट्ट के साथ। 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल। बिजनौर में स्कूल बस का एक्सीडेंट, 18 बच्चे हुए बुरी तरह घायल। बस चालक की मौत, गुरुवार सुबह हुआ हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। आज सुबह लगभग 9 बजे मंडावर पुलिस की सूचना प्राप्त हुई कि मंडावर चंदक रोड पे एक स्कूल बस का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें स्कूल बस ड्राइवर की दुखद मृत्यु हुई। आज कोहरा बहुत ज्यादा था, उसी में 18 बच्चे घायल हुए। घायल बच्चों को तत्काल पुलिस ने अस्पताल में एडमिट कराया। 4 अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। द्वारा सभी अस्पतालों का भ्रमण किया गया, डॉक्टरों से बातचीत की गई, बच्चों का हालचाल जाना गया तथा उनके पेरेंट्स से बातचीत की गई। सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर, कुछ बच्चों की हेड इंजरी हुई, उनको ट्रीटमेंट कराया जा रहा है तथा डॉक्टरों ने यह बताया उनकी हालत खतरे से बाहर है, शीघ्र डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इस ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, अभी दर्ज किया जा रहा है। समस्त वैधानिक कार्रवाई पूछ ली जा रही है। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में यातायात माह का समापन। रोड सेफ्टी के लिए काम करने वाले सिपाही व आम नागरिक सम्मानित। जागरूकता के लिए स्कूलों में रंगोली, निबंध, स्लोगन और चित्र प्रतियोगिताएं भी करवाई। सड़क दुर्घटना की संख्या काफी ज्यादा है, इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, डेथ होती है, घायल होते हैं। इसी के मद्देनजर जो है भारत सरकार ने ये आयोजन करने के, हर बार आयोजन होता है इसका, और इसके माध्यम से इस तरह के जो सड़क सुरक्षा माह के माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता फैले, ट्रैफिक नियम क्या है, किस तरह से एक्सीडेंट में कमी आए, इसको लेकर के स्कूलों में, सामाजिक संस्थाओं में विभिन्न तरह के प्रचार प्रसार करते हैं। स्थानीय निकायों के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार किया जाता है ताकि लोग अवेयर हों और दुर्घटना कम से कम हो। जो पिछले एक महीने से चलाया जा रहा था, जिसका समापन कार्यक्रम था, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज की थी, अवेयरनेस ड्राइव्स जिले के अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग गाँव में जाके बच्चों को, युवाओं को समझाइश दी गई, बताया गया कि क्यों हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, क्यों शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना है, क्यों 3 लोगों को या 3 से अधिक सवारी को बैठ के गाड़ी नहीं चलाना है, और किस तरह हम अपनी जान और अपने परिजनों की जान बड़ी दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं। इसी के साथ में अलग अलग मुहिम, जैसे रिफ्लेक्टर ड्राइव इसमें चलाया गया, जो ड्राइवर्स था उनका मेडिकल चेकअप, आई टेस्टिंग, ये सब कराया गया। उसके अलावा बहुत सारी रैली निकाली गई, बाइक रैलीज अलग अलग जगह पर निकाली गई, पुलिस प्रशासन के सभी विभागों ने मिलकर ये रैलियाँ अलग अलग जगह पर निकाली और एक अच्छा माहौल पूरे ज़िले में अवेयरनेस का बनाने की कोशिश की। एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, राजनांदगांव जिला जो है पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जो हमारे यहाँ एक्सीडेंट जो उसमें जो घटित होने वाली मौतें वो कम हुई हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये राजनांदगांव पुलिस के लिए, लेकिन हमारी मुहिम यही है कि एक्सीडेंट्स को हम कम से कम पे लेकर आएँ, कम से कम लोगों की जान एक्सीडेंट्स में जाए। इसके लिए हम लोगों ने एक जॉइंट टीम भी बनाई है, जिसमें सभी विभाग जो हमारे RTO है, पुलिस है, PWD है और NH है, सब विभागों की एक टीम बनाई गई है। जो रोड सेफ्टी मीटिंग भी हम लोग करते रहते हैं और हमारा ध्येय यही है कि टेक्निकल चेंजेस भी जहां रोड पर करने की ज़रूरत है, चाहे वो ट्रैफिक लाइट लगाना हो, डिवाइडर बनाना हो या कोई और चेंजेस करने हो, वो और पॉइंट ड्यूटी लगाए जाएँ। साथ ही साथ हम लोग NH को विशेष ध्यान रखते हुए NH पे स्पीड टेस्टर भी लगा रहे हैं। फरवरी 2018 डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की शुरुआत। फिर हुई निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की शुरुआत। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियों से यूपी बना ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पसंद। अब उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को कर रहा मजबूत। देश में पहली बार 10 लाख करोड़ से अधिक की 14,000 से अधिक निवेश परियोजनाओं की एक मंच से होने जा रही है शुरुआत। खुलेंगे 34 लाख से अधिक रोजगार के द्वार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ 19 फरवरी को लखनऊ में ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। उत्तर प्रदेश के चंदौली में हुआ भाजपा मिलन कार्यक्रम, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे पहुंचे कार्यक्रम में हिस्सा लेने। सपा, बसपा और कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए कार्यकर्ता और पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री ने किया स्वागत। मुझे लगता है कि जब राहुल जी की यात्रा आसाम से बिहार में आई तो गठबंधन आधा हो गया और नीतीश कुमार जी राजग का हिस्सा बन गया। चंदौली से प्रवेश करके यात्रा बढ़ते ही कुछ और कांग्रेस के लोग जो सक्षम अच्छे लोग हैं वो देश हित में हो सकता है वो यात्रा को छोड़ करके और इस राह पर चलेंगे जिसमें देश मोदी जी मजबूत कर रहे हैं। उपनर्संहिता कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अल्मोड़ा में किया प्रदर्शन। चौहान पाटा गांधी पार्क में प्रदर्शन, कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, मांग पूरी ना होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। विगत 10-12 वर्षों से हम प्रदेश में अपनी सेवाएं देते हुए आ रहे हैं जिसमें सरकार ने हमारी आज तक जितनी भी मांगे हैं, मतलब जो हम अभी 10 वर्षों से कार्य कर रहे थे तो उसमें सरकार हाईकोर्ट के द्वारा जो नियमावली बनाई गई बनवाने के लिए कहा गया सरकार से, तो सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई जिसमें उन्होंने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में उसको अपने हाई कोर्ट के फैसले को वहाँ दोबारा से वो कर दिया बेंच पे। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि सरकार उसको SPL को वापस लेके हमारे जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं सरकार को कि इनको नियमित करने के लिए नियमावली बनाई जाए और हमें जो हमारे पदों के सापेक्ष हैं हमारे भविष्य को सुरक्षित किया जाए, इसी के लिए हम ये यहाँ पर विगत 12 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं। प्यार के झांसे में फंसाकर नाबालिग से दुष्कर्म, अयोध्या का रहने वाला युवक ने ऋषिकेश की नाबालिग को पहले फंसाया, अपने प्यार के जाल में फिर साथ लेकर भागा, नाबालिग से कई बार दुष्कर्म, परिजनों की शिकायत पर। फरवरी 2018 डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को की $1 trillion की अर्थव्यवस्था बनाने की शुरुआत। फिर हुई निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की शुरुआत। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियों से यूपी बना ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पसंद। अब उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को कर रहा मजबूत। देश में पहली बार 10 लाख करोड़ से अधिक की 14,000 से अधिक निवेश परियोजनाओं की एक मंच से होने जा रही है शुरुआत। खुलेंगे 34 लाख से अधिक रोजगार के द्वार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ 19 फरवरी को लखनऊ में ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। हिमाचल से राज्यसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन ने दाखिल किया नामांकन। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रणजीत बिंदल भी साथ पहुंचे, जीत को लेकर भाजपा आश्वस्त। एक तो पहली बात के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हम काम कर रहे हैं, ये अधिकार है। और जहां तक आप पूछ रहे हैं कि अचानक निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी, जो भी निर्णय करती है सोच समझ के करती है और कई बार निर्णय अचानक होते हैं। और दूसरी बात जहाँ तक हमारे कैंडिडेट के संदर्भ में है, हर्ष महाजन जी हमारे पुराने साथी हैं, उनका बहुत एक लंबा अनुभव है और उस दृष्टि से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए सहयोग और समर्थन से किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं उसमें सब लोग इकट्ठा होकर के काम कर रहे हैं। और जहाँ तक
इस चुनाव के संदर्भ में आप पूछ रहे थे, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हर्ष महाजन जी के रूप में जो कैंडिडेट हमने राज्यसभा के लिए यहाँ पर उनका नॉमिनेशन अभी हुआ है उसको समझ करके निर्णय किया है और पार्टी के नेतृत्व में इस भरोसे के साथ कि इसमें हम आगे बढ़ेंगे और विजय हासिल करेंगे। गुप्त नवरात्र पर मां नैना देवी शक्तिपीठ पर उमड़े श्रद्धालु सामाजिक रीति के मुताबिक करवा रहे बच्चों का मुंडन संस्कार। ठाकुर ग्राम पंचायत ओहर से प्रधान आज हमारी ग्राम पंचायत ओहर में अर्ध नारेश्वर समाज से बिजली मंच जी आए हुए थे। उन्होंने नशे के ऊपर एक जागरूक अभियान शुरू किया है जो ग्राम पंचायत ओहर से शुरू किया है। यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं ने, मेरी बहनों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ पे युवा शक्ति, बच्चे, बुजुर्ग सभी यहाँ पे मौजूद थे और नशे के ऊपर जो चिट्टा जैसी एक घातक नशा हमारे समाज में फैल रहा है उसके ऊपर एक कड़ा वार आज ओहर पंचायत ने एक संज्ञान लिया और एक प्रतिज्ञा ली कि हम ओहर पंचायत को नशे से मुक्त करवाएंगे। और आने वाले समय में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये जो नशे का जो जागरूक अभियान हमने यहाँ से शुरू किया है वो बहुत आगे तक जाएगा और समय समय पर हम बच्चों को, युवा जितने भी स्कूल में युवा नई जनरेशन वाले बच्चे इस नशे की चपेट में आ रहे हैं, हम मिलकर सभी महिला मंडल, सभी स्वयं सहायता समूह वाली जितनी भी महिलाएं हैं, हमने आज ये एक यहाँ से प्रण लिया है कि हम अपने बच्चों को इस चिट्टे जैसे घातक नशे से बचाएंगे और इस अभियान को काफ़ी आगे तक लेके जाएंगे। और इस पीलीभीत के कई गांव में चोरों का कहर, पुलिस चौकी के पास 3 गांव में 6 घरों को एक ही रात में बनाया गया निशाना। जिरोनिया पुलिस चौकी इलाके में चोरी से ग्रामीणों में हाहाकार, सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची जिरोनिया पुलिस। जिरोनिया भैंसा मड़िया गांव में हुई वारदात। राज्यसभा प्रत्याशी संजय सेठ ने विधानसभा में दाखिल किया नामांकन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मंत्री सुरेश खन्ना, जितिन प्रसाद, जेपीएस राठौर भी नामांकन के लिए साथ पहुंचे। बीजेपी की तरफ से 8वें प्रत्याशी है संजय सेठ। 27 फरवरी को होगा राज्यसभा के लिए मतदान। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर बीजेपी ने 8 और सपा ने उतारे 3 प्रत्याशी। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadi.gov.in पर आमंत्रित हैं। हल्द्वानी के बनबूरपुरा दंगे की जांच में जुटे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, सरकार ने सौंपी जांच की जिम्मेदारी। देखिए, जहां तक जांच का सवाल है तो शासन ने इसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी आयुक्त कुमाऊं मंडल को सौंपी है और कल आके मैंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें मेरे ऑफिस के डिटेल्स, मैं कब उपलब्ध रहूँगा कार्यालय में, इस संबंध में विज्ञप्ति दी है। जो भी अपना साक्ष्य देना चाहें वो दे सकते हैं और इसमें जो स्टेप्स होते हैं इंक्वायरी के उन सबको पूरा करते हुए सभी साक्ष्यों को संज्ञान में लेते हुए जांच को पूरा किया जाएगा। दूसरा जो विषय है वो इस बात को लेके है कि क्योंकि अभी भी जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं थाना बनपुरा क्षेत्र में लागू हैं, तो मेरे निर्देश भी एडमिनिस्ट्रेशन को यही थे कि कोई भी आवश्यक सामग्री की कमी वहाँ पर ना हो, चाहे दवाइयाँ हों, फल हों, सब्जियाँ हों, दूध हों और किसी प्रकार की इमरजेंसी जिसमें बाहर किसी को निकलना आवश्यक हो तो वो परमिशन दी जाए
कल तक मुझे भी एक दो लोगों के फ़ोन आए थे जहाँ पे कुछ राहत सामग्री की आवश्यकता थी, उनको भिजवा दी गई। तो सिटी मजिस्ट्रेट हैं, उनके डिस्पोजल पे गाड़ियाँ पहले से दे रखी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने किया दिल्ली मुंबई वडोदरा लिंक एक्सप्रेस वे का निरीक्षण। फरीदाबाद के पल्ला पुल से दिल्ली कालिंदी कुंज तक निरीक्षण के बाद अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। टू जो है वो जयपुर पुस्ता से फरीदाबाद सेक्टर 60-65 तक है, 24 किलोमीटर का 81% काम हो गया है। मई 2024 तक इसको निर्माण पूरा हो जाएगा। पैकेज 3 फरीदाबाद से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 26 किलोमीटर का मार्ग बन गया है और यह धनी आबादी वाले क्षेत्र में 6 किलोमीटर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। हरियाणा के 14 गांव चंदावली, साहूपुरा, सोतई, बैबलपुर, फकुंडा, वनहेराकुर, नरहावली, मोहम्मदपुर, हीरापुर, मोहना, चायसा, मोहियापुर, बागपुर कला और झुप्पा तथा उत्तर प्रदेश के 6 गांव अमरपुर, पालका, फलेदा खादर, फलेदा बांगर, करोली बांगर, करोल बांगर और दयालपुर के किसान और स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी। यहाँ पंजाबियों की शान पंजाब का पुत भगवंत मान लियाए हन आप दी सरकार आप दे द्वार सरकारी अधिकारी तुहाडे पिंड आ के तुहाडियां मुश्किलां दा करनगे हल। सरकारी सेवावां नूं पंजाबियों के घर घर पहुंचाउण दे उद्देश दे नाल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे वल्लों सरकार तुहाडे द्वार स्कीम की शुरुआत की गई है, जिस तहत पंजाब सरकार सारे पिंडां दे विच सरकार तुहाडे द्वार अधीन लोक सेवा कैंप लगाउण जा रही है। इन्हां कैंपां दे विच पंजाबियां नूं जन्म ते मौत सर्टिफिकेट, बिजली दे बिल दी अदायगी, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति ते पेंशन सर्टिफिकेट आदि वर्गियां सेवावां दा लाभ मौके ते ही दित्ता जाएगा। शहीद आजम सरदार भगत सिंह होरां जी दे सुपनों नूं साकार करन लई पंजाब सरकार ने फैसला किया कि पंजाब दे लोकां नूं हुण सरकारी दफ्तरां दे गेड़े नहीं कढ़ने पैणगे, सरकारी दफ्तर खुद चल के तुहाडे घर आउणगे। सो पंजाबियों तुहाडी आप दी सरकार हुण तुहाडे आप दे द्वार आ रही है। वध तों वध इन्हां कैंपां दे विच शमूलियत करके सरकारी सेवावां दा लाहा लो। रंगला पंजाब दा सुपना सच करके दिखाया पंजाब दे पुत भगवंत सिंह मान ने सरकारी सेवावां नूं घर घर पहुंचाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कतर से सकुशल देहरादून वापस लौटे नौसेना के पूर्व अधिकारी सौरभ वशिष्ठ के परिजनों से की मुलाकात। सब लोगों के लिए ये एक बड़ी दिवाली जैसा है कि इतने लंबे समय के बाद और बहुत मुश्किलों से निकल कर आए। हम हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, अपनी तरफ से, सौरभ जी की तरफ से, उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, कि प्रधानमंत्री जी सबको जो केवल परिवार जनों कहते ही नहीं बल्कि हर पंजाब देश का पहला सूबा बन जा रहा है जिस सूबे को सड़कां ते एक्सीडेंट, सड़कां ते
कोई होर किस्म के क्राइम नू रोकण वास्ते अलग फोर्स बनाई जा रही है SSF सड़क सुरक्षा फोर्स। हर 30 किलोमीटर बाद एक गड्डी थोनू आउंदी है जांदी मिलूगी। कोई ट्रक खड़ा खराब होया उन्हूं पुल करके उन्हूं खिंच के साइड पे कर दिता जाऊगा, क्योंकि गड्डियां इन्नी तकड़िया ने। दुबई की पुलिस को गड्डियां टोयोटा हिलक्स कंप्यूटर फिट है सारे, इंपैलन जेडे हस्पताल ने ट्रोमा सेंटर ने उन्होंने अटैच है हर गड्डी। इस बार SSF करके किनिया मौत घट गई, हर महीने का डाटा दिया करांगे। जे 50% भी घटा लिया 3000 बंदे की जान बच जूगी जी, 3000 बंदे की। आपां पंजाब नूं सब तो सेफेस्ट स्टेट बनाउणा है। हल्द्वानी हिंसा के बाद इंडिया अलायंस और सिविल सोसाइटी ने निकाला शांति मार्च। देहरादून के गांधी पार्क से शांति और सौहार्द का संदेश देने के लिए निकाला गया मार्च। निश्चित ही बहुत खराब घटना वो घटी है, और कांग्रेस और सभी लोगों ने ये कहा है कि जिन लोगों ने माहौल खराब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो अटैक करने वाले लोग हों, चाहे वो प्रशासन के वो लोग हों जिनकी तरफ से चूक हुई। समय को लेकर और वहाँ के माहौल को लेकर LIU ने लगातार 3 या 4 बार सरकार को और प्रशासन को चेताने का काम किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि समय जो है सुबह का चुना जाए ताकि ये कार्रवाई हो सके, लेकिन ये सारी चीज़ों को दरकिनार किया गया। और आज की वहाँ की मतलब कल परसों की ये भयानक स्थिति थी कि एरिया को सील किया गया, दूध की दवाइयों की खाने की लोगों को व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था लोगों की नहीं थी। और जो वीडियोज अब आएंगे, क्योंकि वहाँ सोशल मीडिया बंद है और लोगों के फ़ोन तोड़े गए हैं, फिर भी अगर कुछ चीज़ आएंगी तो आने वाले समय में बहुत भयानक चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और जिस तरीके से वहाँ महिलाओं को बुज़ुर्गों को बाद में पीटा गया है, निश्चित ही वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी हम लोग उसी को लेकर के वहाँ का माहौल शांत हो और आपसी सौहार्द ठीक हो, उसके लिए हम लोग शांति मार्च निकाल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कमर कसी लाभार्थी सम्मेलन करवा पार्टी टटोल रही केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों की नब्ज। देखिए अभी हम लोगों